मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर लोकेश महाजन, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी एट अमृतधारा माय हॉस्पिटल करना। आज हम बात करते हैं कुछ बैक पेन के बारे में। बैक पेन एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में बैक पेन की प्रॉब्लम के साथ, हर उम्र के लोग आते हैं बैक पेन के साथ। बैक पेन इनफैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी तरह की बैक पेन होती है। बैक पेन के काफी कॉजेज हैं, सबसे कॉमन कॉज है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस यानी कि बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम। इसमें जैसे बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं, तो पेशेंट को बैक पेन होने लगता है। ऐसे पेशेंट्स में कमर के साथ साथ दर्द टांग में रेडिएट भी कर सकता है, हिप में रेडिएट कर सकता है। पेशेंट को टांग में झिनझिनाहट, सूनापन, भारीपन लगने लगता है। कुछ पेशेंट्स को यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो जब पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स का हम कुछ इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि एक्सरेज, एमआरआई स्कैन्स, सीटी स्कैन्स। जिन पेशेंट्स के एमआरआई स्कैन में हमें कोई बड़ी डिस्क देखने को मिलती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। बाकी पेशेंट्स जिनमें डिस्क छोटी है या फिर कुछ और कॉजेज हैं बैक पेन के, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कंजर्वेटिव ट्रायल पे रखते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स के रेगुलर फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं, रेगुलर फिजियोथेरेपीज करवाई जाती हैं, कुछ पेन किलर मेडिसिंस दी जाती हैं, नर्व विटामिंस दिए जाते हैं, और पेशेंट्स को कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला जाता है, जैसे कि आगे ना झुकें, भारी चीजें ना उठाएं, नीचे ना बैठें। इस तरह की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद काफी पेशेंट्स को बैक पेन में काफी आराम मिलता है। लेकिन जिन पेशेंट्स का बैक पेन प्रोग्रेस करता रहता है, या फिर जिन पेशेंट्स को कोई फोकल डेफिसिट्स हो जाते हैं, जैसे कि पैर में कोई सूनापन आ गया या फिर पैर में कमजोरी आ गई, तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी के ऑप्शंस दिए जाते हैं। सर्जरीज भी इसमें कई तरह की होती हैं, जैसे कि अगर सिंगल लेवल डिस्क है तो ऐसे पेशेंट्स की लेमिनेक्टमी की जाती है। लेमिनेक्टमी यानी कि पीछे से हड्डी को काटकर नस पर दबाव हटाया जाता है। अगर दो या तीन लेवल पे डिस्क पेशेंट्स की बाहर निकल गई है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लेमिनेक्टमी करके, मल्टीपल लेवल्स पे लेमिनेक्टमी करके, स्क्रू और रॉड के द्वारा हम फिक्सेशन कर देते हैं स्पाइन का, स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन कर देते हैं, जिससे स्पाइन स्टेबल हो जाती है, पेशेंट का दर्द ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ और भी कई तरह के प्रोसीजर्स हैं। आजकल जो हम प्रोसीजर्स करते हैं लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, ऐसा देखा गया है कि इन लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ स्पाइन सर्जरीज, जैसा कि पहले कहा जाता था कि स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं रहा। अब आज के जमाने में हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, जिससे स्पाइन सर्जरी आसान भी है और सक्सेसफुल भी। और ऐसा हमने देखा है कि इस तरह की सर्जरी के बाद काफी पेशेंट्स बिल्कुल पेन रिलीफ फील करते हैं। अगर आपको या आपके किसी भी रिश्तेदार को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड यानी कि ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सिर में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, ब्रेन ट्यूमर्स, डिस्क प्रॉब्लम्स, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, सिर की चोट, ये सारी बीमारियां हैं जो न्यूरो सर्जरी में हम कवर करते हैं। अगर आपको या आपके किसी भी रिश्तेदार को ऐसी किसी भी बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो आप डैडी ऐप पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।